नमस्कार बी टाउन की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए बढ़ते हैं बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं। परिणीति अपनी शादी के बाद पहली बार वेकेशन पर गई हैं। खास बात यह है कि उनके साथ पति राघव चड्ढा मौजूद नहीं है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए बताया कि वह किसके साथ वहां वेकेशन का लुत्फ उठा रही हैं। परिणीति चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फुल फोटो पोस्ट की है। इस तस्वीर में परिणीति ब्लैक कलर का स्विम सूट पहने पूल में दिख रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस के हाथों में पिंक चूड़ा भी देखा जा सकता है। परिणीति ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, हनीमून पर नहीं हूँ, फोटो ननंद ने क्लिक की है। उनके कैप्शन से सबको पता चल गया है कि एक्ट्रेस अपनी ननंद यानी राघव चड्ढा की बहन के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं। बता दें कि राघव चड्ढा की बहन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। करीना कपूर खान स्टारर हंसल मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म द बंकिम गम मर्डर्स अपनी घोषणा के बाद से दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट की वजह से बनी हुई है। ये फिल्म अपनी थ्रिलिंग कहानी से दर्शकों को यकीनन सरप्राइज करने वाली है, लेकिन फिलहाल फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म को BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल 2023 में खूब सारा प्यार और स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। द बंकिंगम मर्डर्स को प्रतिष्ठित BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल 2023 के लिए एक ऑफिशियल सिलेक्शन के रूप में अनाउंस किया गया था। जब ये फिल्म ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन की गई, तो ये एक यादगार छाप छोड़ गई और ऑडियंस ने फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत जो अपने एकल निर्देशन की पहली फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, ने घोषणा की है कि फिल्म की रिलीज अगले साल तक के लिए टाल दी गई है। राजनीतिक ड्रामा जो 24 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, अब 2024 में रिलीज होगी। अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों और फॉलोअर्स के साथ खबर साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया। उन्होंने लिखा कि आपातकाल उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उनकी योग्यता और चरित्र की परीक्षा है। उन्होंने फिल्म के टीजर और अन्य यूनिट सभी से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया है। अमित कौर के पास फैंस की कमी नहीं है, उनको चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। उनकी हर तस्वीर और वीडियो पर खूब प्यार बरसता है। ऐसा ही कुछ इस बार अवनीत की लाल रंग की बॉडीकॉन ड्रेस की तस्वीरों में देखने को मिला। इन तस्वीरों में अवनीत कौर का ग्लैमरस अवतार देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठेगा। ये तस्वीरें अवनीत के जन्मदिन की है। अवनीत कौर की इन तस्वीरों पर फैंस खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं। अवनीत इन तस्वीरों में बेहद हॉट लग रही है। अवनीत ने इन तस्वीरों में नेट वाली लाल रंग की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, जिसके साथ ही उन्होंने एक लाल रंग के कोट को पेयर किया है। कलर्स टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 17 अभी शुरू ही हुआ है और यह शो अभी से ही अपने विवादों, ड्रामियों और झगड़ों को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार भी यह सीजन सलमान खान द्वारा होस्ट किया जा रहा है। शो के शुरू होते ही कंटेस्टेंट के बीच झगड़े देखने को मिल रहे हैं और मेकर्स भी शो में मसाला लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, मनारा चोपड़ा जिन्हें घर की पहली प्रतियोगी के रूप में पेश किया गया था, को घर वालों द्वारा नामांकित किया गया था, जिसके बाद क्या हुआ ये जानने योग्य है। दरअसल बिग बॉस ने घर के पहले नामांकन की घोषणा की और घर के सदस्यों से एक प्रतियोगी को नामांकित करने के लिए कहा, जिसके बाद उनके अनुसार उन्हें घर छोड़ देना चाहिए। ऐश्वर्या, विक्की, ईशा और अन्य लोगों ने मनारा चोपड़ा का नाम लिया और उसे असुरक्षित क्षेत्र में भेज दिया। मनारा इससे काफी हैरान हुई और भावुक हो गई। अभिनेत्री ने खुलासा किया कि जिन लोगों ने उन्हें नामांकित किया था, वे ऊपर से उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। फिलहाल बी टाउन की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए BCN न्यूज के साथ। नमस्कार।